रामवीर सिंह भिदुड़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि दक्षिणी दिल्ली से, जिन्हें इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। रामवीर जी, स्वागत आपका आज तक पर। पार्टी ने आपको चुना है चुनावी मैदान में इस बार दिल्ली में, जहां पर लड़ाई बड़ी है और कड़ी है। क्यों लगता है आपको रामवीर जी कि आपको टिकट दिया गया है, और कौन से मुद्दे आप सबसे जोर शोर से उठाएंगे जिसके दम पर आप जीतेंगे? क्या कहेंगे लोगों के बीच में? देखिए, मैं बहुत आभारी हूँ देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जे पी नड्डा जी का, और भारत के गृह मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी का, और शीर्ष नेतृत्व का, कि मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता को उन्होंने दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा का उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में अनेक मुद्दे हैं, दिल्ली के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ उम्मीदवारों को 70% से ज़्यादा वोट देंगे। 2019 में लगभग 60% वोट मिला, और इस बार 70% को भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार उसको उससे आगे चले जाएंगे, ऐसा फीडबैक हमें दिल्ली के लोगों की ओर से मिल रहा है। इस बार लोग जाति धर्म सबको एक तरफ रख के, चाहे वो किसी भी जाति धर्म मजहब से संबंध रखते हों, सभी ने मन बना लिया है कि मोदी जी ने देश का गौरव दुनिया में बढ़ाया है, और देश को विकास के रास्ते पर जिस तेजी से आगे बढ़ाया है, और अनेक जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, उसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। यदि आज देश के 80 करोड़ लोगों को 4 किलो गेहूं 1 किलो चावल मुफ्त मिल रहा है, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। यदि आज उन गरीब लोगों को जिनके पास कच्चा मकान होता था, 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान बना के दिए हैं, तो किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। अगर रसोई गैस का सिलेंडर 10 करोड़ लोगों को मिला, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया है। या आज यदि देश के 11 करोड़ किसानों के खाते में हर 4 महीने के बाद 2-2 हजार रुपये जमा हो रहे हैं, इस देश का किसान प्रसन्न है। दिल्ली में झुग्गी झोपड़ी के लोगों को शानदार फ्लैट्स बना के दिए हैं, यदि उस फ्लैट को आज मार्केट में यदि बेचा जाए तो 40 लाख रुपए का फ्लैट है। झुग्गी झोपड़ी के लोग खुश हैं। दिल्ली में 60 लाख लोग बेचारे अनऑथराइज कॉलोनीज में रहते हैं, उनको मालिकाना हक दिया है, चाहे वो निजी जमीन पर मकान बना के रहते थे, चाहे वो सरकारी जमीन थी। वो सभी लोग मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त कर रहे हैं। रसोई गैस का सिलेंडर मिल रहा है दिल्ली के अंदर। अंजना जी, दिल्ली में लगभग 5 लाख लोग फोका पटरी के लोग हैं, उनको भी 10 हजार से लेके 50 हजार रुपए तक उनको धनराशि उपलब्ध कराई, जिससे कि अपना कारोबार अच्छा कर सके। अभी मोदी जी ने जो पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की है। जी, प्रश्न तो सुनिए जी अंजना जी, ये सब तो आप प्रधानमंत्री जी का काम बता रहे हैं। जी, जी, जी। तो ये प्रधानमंत्री का काम लेके तो रमेश भिदुड़ी भी जा सकते थे, लेकिन रमेश में बस एक अक्षर बदल के रामवीर भिदुड़ी को टिकट दे दिया गया है। इसकी क्या वजह रही है? क्या जो किरकिरी पार्लियामेंट में अपशब्द बोलकर बीएसपी सांसद के लिए, दानिश अली के लिए रमेश भिदुड़ी ने बीजेपी की किरकिरी कराई थी, उसकी वजह से आपको टिकट मिला या उनको नहीं मिला कह लीजिए? देखिए, बात यह है, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप सोच विचार करके जो भी फैसला करती है, पार्टी के सभी कार्यकर्ता उस फैसले का सम्मान करते हैं। श्री रमेश भिदुड़ी जी मेरे भाई हैं, 3-3 बार उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा है, हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ खड़े रहे हैं। मैं ही नहीं बल्कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता उनका टिकट कटने और अधिकार है इस बात मिलने के बाद आपकी बात हुई उनसे? जी, आपको टिकट मिलने और उनका टिकट कटने के बाद बात मेरी हुई? मेरी उनसे फोन के ऊपर बात भी हुई है। क्या बोले वो? देखिए, हम दोनों एक ही गांव से हैं, और मेरा उनके घर की जो दूरी है वो मुश्किल से 50 मीटर है। मेरी फोन पर उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है कि मैं भरपूर सहयोग आपको करूंगा, और मैं कल उनके घर पर जाकर उनसे मिलूंगा, ये जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। दक्षिणी दिल्ली से रामवीर जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। रामवीर सिंह भिदुड़ी को आप सुन रहे थे, जिन्हें टिकट दिया गया है रमेश भिदुड़ी का टिकट काटकर।